समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी स्टारर ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोज नया ड्रामा देखने को मिलता है। रूही और अभीरा जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती हैं और अरमान दोनों को दूर रखने की कोशिश करता है। बीते एपिसोड में अभीरा क्रिस की सच्चाई अरमान के सामने लेकर आ जाती है। अरमान को पता चल जाता है कि क्रिस का पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन वह अपने पापा के डर से सामने नहीं आ रहा है। अपकमिंग एपिसोड में अभीरा और अरमान मिलकर क्रिस को समझाते नजर आएंगे। क्रिस उनकी बातों से डर जाता है, लेकिन उनकी बातें समझता भी है। तो आइए आपको बताते हैं कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि माधव अपनी पत्नी विद्या को डिनर पर लेकर जाता है और उससे वहां पर रिश्ते को एक मौका देने के लिए कहता है, लेकिन विद्या मना कर देती है। उसी रेस्टोरेंट में मनीष गोयनका भी अपनी पत्नी के साथ आता है, जहाँ पर दोनों के बीच अक्षरा के बर्थडे को लेकर बहस हो जाती है। दोनों कपल एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर मनीष माधव के साथ बैठ जाता है और स्वर्णा विद्या एक साथ होती हैं। दूसरी तरफ क्रिस को समझाने के बाद अभीरा खुश होती है और अरमान से एक वादा मांगती है। वह अरमान को कहती है, हम कल जो भी करने वाले हैं वह किसी को नहीं बताएंगे। रूही अरमान से उनका प्लान पूछती है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। टीवी इंडस्ट्री के हिट शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि रेस्टोरेंट में मनीष गोयनका माधव को समझाता है कि उसे अपने और विद्या के रिश्ते को एक मौका देना चाहिए और ये सिर्फ अरमान अभीरा के लिए नहीं करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। इसके बाद मनीष स्वर्णा के पास जाता है और दोनों डांस करते हैं। इस मौके पर माधव विद्या भी डांस करते हैं। पोद्दार हाउस में अभीरा सोती हुई दादी साहब को बोलती है कि वह कभी नहीं चाहती कि इस घर में परेशानी हो। इसके बाद अभीरा रूही को खूब सुनाती है। रूही बार बार उसका प्लान पूछती है, तभी अभीरा रूही को बोलती है, अरमान एक साल हो या एक दिन हो, पति मेरा ही है। सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि आधी रात को रूही एक अजीब सा सपना देखती है, जिसमें अभीरा और अरमान घर के लॉन में रोमांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों को यूं साथ देखकर रूही का दिल टूट जाता है और वह खूब रोती है। इस सपने से रूही उठ जाती है और अगले दिन रूही अभीरा से बदला लेती है। रूही अभीरा को किसी तरह घर के फंक्शन में शामिल होने से रोक देती है और अरमान समेत बाकी पूरी फैमिली के साथ घर से निकल जाती है। सब लोग ऑफिस के न्यू विंग के फंक्शन में जाते हैं।